गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हेलो वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने एफएस मॉड्यूल की शुरुआत कर दी थी, तो जहां तक कर लिया था उसका छोटा सा पार्ट एक बार रिकॉल करते हैं और डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि आज हमें करना है हैंड्स ऑन और एफएस मॉड्यूल यूज करके करनी है एप्लीकेशन डेवलप। तो सबसे पहले बताइए एफ एस, वॉट डज द वर्ड एफ एस स्टैंड फॉर? नोड में एफ एस मतलब, वेरी गुड, एफ एस स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम। और आप क्या कर सकते हैं एफ एस की मदद से? तो जवाब है, आप एफ एस मॉड्यूल की मदद से फाइल्स पे की जाने वाली कई तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। फाइल रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, रीनेम करना, डिलीट करना, डायरेक्टरीज क्रिएट करना, डायरेक्टरीज पे तरह तरह के ऑपरेशन करना। वेरी गुड। अब एफ एस मॉड्यूल से डील करने के आपके पास कितने तरीके हैं? एफ एस मॉड्यूल से डील करने के आपके पास तीन तरीके हैं। गलत बात, दो नहीं है, तीन तरीके हैं। दिशा, दो मॉड्यूल सिस्टम है, राइट? नोड हमें दो मॉड्यूल सिस्टम देता है, एक का नाम है कॉमन जेएस और एक का नाम है एक्मा, करेक्ट? लेकिन एफ एस मॉड्यूल से इंटरेक्ट करने के आपके पास तीन तरीके हैं। इनमें से पहला तरीका है सिंक्रोनस, दूसरा तरीका है कॉल बैक। ये दोनों नोड में हमेशा से थे? क्या ये दोनों नोड में हमेशा से थे? हाँ। और तीसरा तरीका नोड में लेटेस्ट एडिशन है। ये कब आया? ये नोड 10.0 में आया, नोड 11 में फाइनल हुआ और नोड 12 आते आते स्टेबल हो गया। क्लियर? नोड 10 में एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट आया, नोड 11 में उसको फाइनल करा गया और नोड 12 आते आते ये बिल्कुल स्टेबल हो गया। और इस तीसरे तरीके का नाम है प्रॉमिस बेस्ड एफएस, जिसमें आप प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की मदद से फाइल सिस्टम से करेंगे इंटरैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों के बीच के फर्क की। तो मैंने आपसे कहा था जो सिंक्रोनस तरीका है, सिंक्रोनस एपीआई है, उसमें जब आप किसी भी मेथड को कॉल करेंगे फाइल से इंटरैक्ट करने के लिए, तो वो मेथड क्या करेगा? वो मेथड आपके करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड को या करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन जितनी देर तक फाइल से इंटरेक्ट कर रही है उतनी देर तक वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, राइट? क्या ये करना अच्छी बात है? इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस? क्या ये करना अच्छी बात है? इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस? तो जवाब है, एट टाइम्स इट माइट बी गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नोड की जो नेचर है वो आपको रिकमेंड करती है कि आप यूज करें हमेशा एसिंक्रोनस या कॉल बैक का तरीका। एक छोटा सा कोड आपको सिंक्रोनस का आइडिया देगा। नोटिस करिए, ये हमारे पास एक छोटा सा कोड है जिसकी मदद से हम फाइल को रीड कर रहे हैं। किस मोड में रीड कर रहे हैं? जवाब है, सिंक्रोनस मोड में रीड कर रहे हैं। अब जितनी देर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, नोटिस करिएगा, उतनी देर आपके कोड में कोई और लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी जब तक लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन पूरा ना हो जाए, तब तक लाइन नंबर 2, 3, 4, 5 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। यानी पूरा पीस ऑफ कोड आपका ब्लॉक हो जाएगा लाइन नंबर 1 के बाद, करेक्ट? ये ब्लॉकिंग शायद लाइन नंबर 2 के लिए सही है, क्योंकि लाइन नंबर 2 को डेटा प्रिंट करना है, और डेटा कहां से आ रहा है? लाइन नंबर 2 को डेटा प्रिंट करना है, डेटा फाइल से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन नंबर 2 को लाइन नंबर 1 का वेट करना चाहिए। लेकिन इमेजिन करिए अगर लाइन नंबर 2 के बाद कोई ऐसा कोड है जो 1 और 2 से कनेक्टेड नहीं है, तो जबरदस्ती पूरे कोड को ब्लॉक करना, पूरे थ्रेड को ब्लॉक करना समझदारी नहीं है, राइट? इसलिए नोड जेएस के अंदर मेन थ्रेड को ब्लॉक करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नॉन ब्लॉकिंग आयो नोड जेएस का मेन मॉडल है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, सिंगल थ्रेड क्या होता है, अभी शॉर्ट में बस समझ लीजिए। नोड जेएस ये मानता है कि जो लॉन्ग रनिंग टास्क है उन्हें कौन परफॉर्म करे? नोड जेएस ये मानता है जो लॉन्ग रनिंग टास्क है उन्हें परफॉर्म करने का काम आप एसिंक्रोनस मोड में और कॉल बैक्स की मदद से करें, राइट? उनको काम करने की जिम्मेदारी एसिंक्रोनस मोड को दीजिए। आपका जो मेन एग्जीक्यूशन है उसे आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ओके, देन सिंक्रोनस एपीआई कभी हमारे फायदे के लिए भी होगी? तो जवाब है, हाँ बिल्कुल होगी। सिंक्रोनस एपीआई तब आपके बहुत फायदे में आएगी जब आप किसी फाइल से डेटा रीड करके कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था, आप डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन यूजर नेम पासवर्ड किसी फाइल में पड़ा है। अब अगर यूजर नेम पासवर्ड फाइल में पड़ा है तो हम कनेक्टिविटी का कोड तब तक नहीं चला सकते जब तक यूजर नेम पासवर्ड को हम फाइल से रीड ना कर लें, और ऐसी स्थिति में हमें यूज करना ही पड़ेगा सिंक्रोनस एपीआई, या फिर कनेक्टिविटी का कॉल एसिंक्रोनस कॉल के कॉल बैक में डालना पड़ेगा। सुना आपने मेरी बात को गौर से? या फिर कनेक्टिविटी का कोड एसिंक्रोनस वाले कोड के कॉल बैक में डालना पड़ेगा, जो आप अभी थोड़ी देर में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉल बैक एपीआई।
कॉलबैक एपीआई आपको फाइल सिस्टम से एसिंक्रोनस वे में इंटरैक्ट करने देता है। जितने भी कॉलबैक एपीआई के अंदर फंक्शन है सब के सब आपसे एक कॉलबैक लेते हैं और उस कॉलबैक को तब चलाते हैं जब फाइल से उनका इंटरैक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, जितने भी कॉलबैक एपीआई के फंक्शन है वो आपसे पैरामीटर में कॉलबैक लेते हैं और उस कॉलबैक को तब रन करते हैं जब उनका फाइल से किया जाने वाला इंटरैक्शन पूरा हो जाता है। छोटी सी बात को, छोटे से डेमो से इस बात को अपन प्रूव करते हैं। गौर से देखिए, ये आपको सिंक्रोनस की जगह एसिंक्रोनस कोड दिखेगा। अभी जो रीड फाइल मेथड है ये कौन से मोड में काम करता है? तो जवाब है ये एसिंक्रोनस मोड में काम करता है। ये फाइल से रीड करेगा डेटा और रीड करने के बाद गेस करिए किसको कॉल करेगा? रीड करने के बाद ये इस पीस ऑफ कोड को कॉल करेगा। अभी कोशिश मत करिएगा इसकी थ्योरी समझने की, अभी अपन इसका कोड लिखेंगे तो आपको इसकी पूरी वर्किंग समझ आ जाएगी। पर जैसा कि आप समझ सकते हैं, लाइन नंबर 1 के बाद अगर मेरा कोड लाइन नंबर 8 पे कुछ लिख रहा है तो क्या ये कोड चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लाइन नंबर पे कोड आकर आपका पॉज नहीं हो जाएगा। लाइन नंबर 1 पे रीड फाइल चलेगा, रीड फाइल डेटा कैप्चर करेगा। जब डेटा कैप्चरिंग का काम, फाइल से डेटा पढ़ने का काम पूरा हो जाएगा तब ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बाय द वे, ये कौन है जो मैंने यहां पर दिया हुआ है? हु इज दिस? ये हमारा रेगुलर एरो फंक्शन है जो काम कर रहा है किसकी तरह? जो काम कर रहा है कॉल बैक की तरह। करेक्ट, पढ़ा जाए आगे, यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये है कॉल बैक एपीआई की कहानी। लेकिन कॉल बैक एपीआई में भी ड्रॉबैक है क्या? हाँ, कॉल बैक एपीआई में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस बार में हम जेएस में पढ़ चुके हैं, आज एक बार फिर पढ़ते हैं। और कॉल बैक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं और वो प्रॉब्लम है कॉल बैक हेल। नाम सुना है? कॉल बैक हेल का मतलब होता है आप एक कॉल बैक में दूसरे कॉल बैक को यूज कर रहे हैं, दूसरे कॉल बैक में तीसरे कॉल बैक को यूज कर रहे हैं। मतलब जब जब आपके कोड में ऐसा शेप बनेगा, कैसा कैसा शेप? अरे शेप बताने में इतना टाइम, वी या ग्रेटर देन का शेप। जब जब आपके कोड में वी या ग्रेटर देन का शेप बनेगा समझ जाइएगा आपका कोड फंसता जा रहा है कॉल बैक हेल में। ये एक छोटा सा डेमो कॉल बैक हेल का। अब आप नोटिस करिए इसमें सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? इसमें सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन ए है, राइट? ए फंक्शन अपने पैरामीटर में एक कॉल बैक ले रहा है। जी हाँ, वो अपने पैरामीटर में कॉल बैक ले रहा है। ये कॉल बैक बी को कॉल कर रहा है जो अपने पैरामीटर में फिर एक कॉल बैक ले रहा है। ये कॉल बैक सी को कॉल कर रहा है जो अपने पैरामीटर में फिर एक कॉल बैक ले रहा है। ये अपने पैरामीटर में जो कॉल बैक ले रहा है उसके अंदर से डी को कॉल कर रहा है जो अपने पैरामीटर में फिर कॉल बैक ले रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं इतना डीप आप कॉल बैक में चले जाएंगे कि कोड को मेंटेन करना, कोड को समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई आया है? कोई है जो कॉल बैक हेल्प से हमें बचाता है? वेरी गुड नमन। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जेएस में पढ़ चुके हैं और वो है प्रॉमिस, करेक्ट? तो नोड जेएस की टीम ने भी प्रॉमिस की इंपॉर्टेंस को समझा और हम डेवलपर्स को कॉल बैक हेल्प से बचाने के लिए इन लोगों ने प्रोवाइड करा सपोर्ट फॉर प्रॉमिसेस। प्रॉमिस का सपोर्ट जैसा मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल वे में आया था नोड के वर्जन 10 के साथ, और उसके बाद जब नोड का वर्जन 11 आया तो इन्होंने सपोर्ट को फाइनल कर दिया और वर्जन 12 आते आते इस सपोर्ट को इन्होंने टोटली स्टेबल कर दिया। तो आज की डेट में जो FS मॉड्यूल है वो आपको दो तरीके की सर्विसेज देता है। अपनी ओरिजिनल सर्विस तो देता ही है जिसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरीके मौजूद हैं। एक नई सर्विस या नया ऑब्जेक्ट भी देता है जो किस पे आधारित है? वेरी गुड, जो बेस्ड है ऑन प्रॉमिसेस, राइट? चल तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस वाले कोड्स लिखेंगे। जब आप इनमें कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर अपन यूज करेंगे नोड जेएस का लेटेस्ट एपीआई, दैट इज प्रॉमिस बेस्ड एपीआई। बाय द वे, आपको एक छोटा सा कोड दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए ऐसा ही होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के पास एक देन होता है और एक कैच होता है। देन कब चलता है? देन कब चलता है? देन तब चलता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, और कैच तब चलता है जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। और अगर इस कोड को और सुंदर और सिंपल लिखना हो तो कोई दो कीवर्ड भी पढ़े अपन ने जो इस कोड को और इजी कर देंगे। आप पढ़ें, एक का नाम है एसिंक और एक का नाम है अवेक। अभी टेंशन मत लीजिएगा अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है। अभी आपके पास कम से कम एक वीक का टाइम है। एक वीक बाद प्रॉमिस और एसिंक का वेट आएंगे, तो याद से तब तक इनको पढ़ लीजिएगा अगर ना पढ़ा हो तो। ठीक है, आगे बढ़ू।
अच्छा ये जो नीचे डन रीडिंग लिखा है इसके बारे में क्या विचार है? ये जो डन रीडिंग लिखा है इसके बारे में क्या विचार है? ये सिंक्रोनस मोड में चलेगा कि एसिंक्रोनस चलेगा? आई मीन टू से ये रीड फाइल के बाद चलेगा या रीड फाइल के पैरेलल चल जाएगा? रीड फाइल के बाद चलेगा कि रीड फाइल के पैरेलल चल जाएगा? गलत जवाब नमन, रीड फाइल के पैरेलल चल जाएगा। प्रॉमिस रिवाइज नहीं करा, इसका मतलब ये जो प्रॉमिस वाला पार्ट है वो सिर्फ अपने पार्ट को ब्लॉक करता है ना, अपने बाद वाले पार्ट को ब्लॉक थोड़ी करता है। याद है कि याद दिलाना पड़ेगा? लग रहा है याद दिलाना पड़ेगा, क्यों ऐसा है? चलो याद दिला देता हूं, देखो याद दिला दू, देखो चलो। तो हम लोगों ने एक कोड लिखा था ऑनलाइन रिएक्ट एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। इनफैक्ट हमने शायद प्रोमिसेस तो जावास्क्रिप्ट नहीं कवर कर लिए, तो फ्रंट एंड एप्स में चलते हैं। ये रहा प्रॉमिस वाला कोड। एक छोटा सा कोड मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस कोड को भूले नहीं होंगे आप। कुछ याद आ रहा है ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड यूजर से इनपुट ले रहा है, उस इनपुट को एक मेथड को पास कर रहा है जिसका नाम है कैलकुलेट स्क्वायर, और कैलकुलेट स्क्वायर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या लग रहा है देखकर? जी हाँ, कैलकुलेट स्क्वायर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो आप मुझे बताइए ये जो लाइन नंबर 28 है, ये प्रॉमिस के रिटर्न होने का वेट करेगी उसके बाद चलेगी, या ये पहले ही चल जाएगी प्रॉमिस के रिटर्न होने से? बिल्कुल सही दीपक, ये प्रॉमिस के रिटर्न होने के पहले ही चल जाएगी। राइट, प्रॉमिस देखिए रिटर्न होने में कुछ टाइम लेगा। यस, प्रॉमिस को हमने जानबूझ के 2 सेकंड का डिले दिया है। तो आप देखेंगे ये जो नीचे वाला मैसेज है ये 2 सेकंड बाद नहीं आएगा, ये तुरंत आ जाएगा जैसे ही हम बटन को क्या करेंगे, जैसे ही हम बटन को करेंगे क्लिक। एम आई राइट? तो देखिए आप, ये HTML पेज मैंने रन करा, HTML पेज ने हमसे एक नंबर मांगा, राइट? या मैंने नंबर दिया 5, ओके? कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25, लेकिन 25 के प्रिंट होने में वक्त लगेगा, उससे पहले आप देखिएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करा आपने, है ना? वेरी गुड। तो ये जो करंट वैल्यू 5 है, ये प्रॉमिस के बाद वाली लाइन है ना, प्रॉमिस के बाद वाली लाइन है ना, ये प्रॉमिस के पूरे कोड के बाद लिखा है ना आपने इसको, है ना? ऐसे ही तो ये लाइन लिखी है मैंने, डन रीडिंग। आप मानते हैं अभी रीडिंग पूरी हुई भी नहीं होगी और पहले ही कोड बोल देगा डन रीडिंग, सही है ना? एसिंक अवेट वाली कहानी अलग है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर यही एसिंक अवेट लग जाते हैं तो फिर सारी कहानी पे पॉज लग जाता, सही है? कोई बात नहीं, नेवर माइंड, अभी एक हफ्ते का समय है, कर लीजिएगा रिवाइज। चलूं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एफएस मॉड्यूल से हमारा इंटरेक्शन। अब एफएस मॉड्यूल ये कहता है कि आप किसी भी फाइल पे कोई भी ऑपरेशन करें उससे पहले ये डिटरमाइन करिए, वेरीफाई करिए कि वो फाइल आपके मशीन में मौजूद है या नहीं। तो इससे पहले कि हम फाइल पे रीड करें, राइट करें, कुछ भी करें, अपन को ये देखना चाहिए वेदर द फाइल इज प्रेजेंट और नॉट, और फाइल आपके मशीन में है या नहीं है ये पता करने के लिए एफएस मॉड्यूल आपको देता है 2 मेथड। कितने मेथड देता है? 2 मेथड देता है। वैसे 2 के 3 तो सही सही बोले तो 3 देता है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो प्रॉमिस का मेथड है, तो अभी के लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? हैं 3 मेथड, अभी हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि एक सिंक्रोनस मेथड है और एक एसिंक्रोनस मेथड है। पहले हम सिंक्रोनस मेथड की बात करते हैं। पढ़िए क्या नाम है उस सिंक्रोनस मेथड का जो हमारे लिए सिंक्रोनस वे में फाइल अवेलेबल है कि नहीं इस बात को चेक करेगा। तो जवाब है, मेथड का नाम है एग्जिस्ट सिंक। एक अच्छी चीज दिखी आपको Node.js में, Node.js में जितने मेथड सिंक्रोनस एपीआई को बिलोंग करते हैं एफएस मॉड्यूल में, उनका नाम किससे फिनिश होता है? उनका नाम सिंक वर्ड से फिनिश होता है। जैसे अगर आपने जावा पढ़ी हो तो जावा में जितनी एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनका नाम एक्सेप्शन वर्ड से एंड होता है ना? ऐसे यहां पर जितने सिंक्रोनस काम करने वाले मेथड है उनका नाम, अधिकतर का नाम सिंक वर्ड से एंड होता है, ठीक है? अब इस मेथड का पूरी प्रोटोटाइप समझते हैं। कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है जी 1 आर्गुमेंट लेता है। अच्छा, वो आर्गुमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है?
वो आर्ग्यूमेंट फाइल के पाथ को रिप्रेजेंट करता है, और आप नोड जेएस में पाथ तीन तरह से दे सकते हैं, या तो आप पाथ एज अ स्ट्रिंग दे दें, या पाथ के लिए आप एक स्पेशल ऑब्जेक्ट यूज करें जिसको बोलते हैं बफर, या पाथ के लिए आप यूज करें यूआरएल। हम इन तीनों को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है बफर ऑब्जेक्ट क्या होता है और यूआरएल क्या होता है। एम आई राइट? वेरी गुड। अब एग्जिस्ट फाइल, एग्जिस्ट सिंक मेथड फाइल को ढूंढेगा, अगर गिवन पाथ पे ये फाइल अवेलेबल है तो क्या रिटर्न करता होगा? ऑब्वियसली बात है ट्रू, और नहीं अवेलेबल है तो रिटर्न करता होगा फॉल्स। So this brings us to our first exercise of FS module, और वो ये है, पहले exercise अच्छे से पढ़िए और बताइए समझ आ रही है तो done लिख दीजिए। Simple है? शुरू करें? Are you ready? Very good। तो ये बोला जा रहा है कि आप imagine करिए आपके पास एक टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स नाम का फोल्डर है। एक्चुअल में फोल्डर हम अभी बनाएंगे। इस टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल नाम के फोल्डर में जाकर आपको ढूंढना है एक फाइल। क्या नाम है उस फाइल का? उस फाइल का नाम है message.txt। अगर ये फाइल मिल जाती है तो आपका मेथड क्या रिटर्न करे? तो आपका कोड, आपकी ऐप रिटर्न करे ट्रू। नहीं मिलती है तो आपकी ऐप फॉल्स दे, मतलब मैसेज दे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मिल जाती है तो आपकी ऐप की तरफ से मैसेज आए फाइल एग्जिस्ट, ना मिले तो ऐप मैसेज दे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रेडी? शैल वी स्टार्ट द कोड? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम सेव करेंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, है ना। पहले की तरह अपन अप्रोच ले रहे हैं, हर टॉपिक के लिए एक नया फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर हमारे सारे एग्जाम्पल उस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स, और फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल के अंदर एक फोल्डर और बना रहा हूं जिसका नाम मैं दे रहा हूं टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स्ट अंडर फाइल के अंदर क्या है? टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स के अंदर क्या है? तो जवाब है फिलहाल कुछ नहीं है नमन, फिलहाल कुछ नहीं है, राइट? अभी मैंने कुछ नहीं रखा है। तो देखते हैं हमारा फाइल एग्जिस्ट सिंक मेथड हमारी फाइल को ढूंढ पाता है कि नहीं। तो मैंने फाइल एग्जाम्पल के अंदर आकर हमारी पहली एप्लीकेशन डेवलप करी। एप्लीकेशन का नाम दिया example1.js। इसको मैंने टेक्स्ट फाइल से बाहर निकालकर फाइल एग्जाम्पल में शिफ्ट कर दिया, राइट? अब हम example1.js में आते हैं, और example1.js में हमारी पहली लाइन क्या होने वाली है? अगर लास्ट लेक्चर आपने मिस ना करा हो तो लिखें जरा फटाफट। हमें FS मॉड्यूल यूज करना है, क्या लिखना चाहिए पहला स्टेटमेंट? भूल गए। अगर हमें fs मॉड्यूल यूज करना है तो हमें कहना चाहिए const fs equal to require fs। याद है ये लाइन आपको? बहुत बढ़िया, याद है, वेरी गुड। ये लाइन क्या बोल रही है नोड को? ये लाइन नोड को बोल रही है fs नाम का मॉड्यूल लोड करो, और fs मॉड्यूल जो भी रिटर्न करे वो किस में रिसीव कर लो? वो रिसीव कर लो fs नाम के वेरिएबल में। ठीक है, आप fs मॉड्यूल क्या रिटर्न करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना मतलब है कि अब ये जो fs हमारे पास आया है ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, और इस fs पे डॉट लगाकर हम कॉल करेंगे सारे मेथड्स। इज दिस क्लियर? इस fs पे डॉट लगाकर हम कॉल करेंगे सारे मेथड्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो उस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। वेरिएबल का नाम मैंने पाथ दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहां मैंने स्टोर करा .forward/। याद है रिएक्ट के बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आपको पता होगा .forward/ का मतलब करंट फोल्डर, ऐसा ही था .forward/ रिप्रेजेंट्स करंट फोल्डर। ओके, तो आपका करंट फोल्डर कौन सा है? हमारा करंट फोल्डर है फाइल अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स, यही है ना, है ना। इस करंट फोल्डर में एक फोल्डर है जिसका नाम है टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, उसमें जाकर ढूंढना है message.txt को। सही लिखा है मैंने पाथ, है ना? फाइल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, txt, सॉरी, फाइल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कोड फॉल्स दे और मैं उसके अगेंस्ट मैसेज प्रिंट करूं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम फाइल बनाकर इसको दोबारा चलाएंगे तो मैसेज आना चाहिए फाइल एग्जिस्ट। सही कह रहा हूं? वेरी गुड। अब हम यहां लिखेंगे इफ
fs dot exists sync. क्या नाम है मेथड का? exists sync. पैरामीटर में हम पास करेंगे path. लाइन नंबर थ्री क्लियर है? लाइन नंबर थ्री क्लियर है? वेरी गुड. अगर ऐसा है तो हम कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे फाइल एग्जिस्ट. और अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमारे साथ केस होने वाला है, तो हम कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. आई होप दिस इफ एल्स पार्ट इज क्लियर, राइट? और नीचे एक बाय भी लिखूंगा मैं, जस्ट टू रिकॉल द सिंक्रोनस नेचर ऑफ आर कोड. अब ये बाय तभी प्रिंट होगा ना जब हमारा एग्जिस्ट सिंक अपना पूरा काम कर लेगा. यस, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोड का कोड है. मतलब इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये पीस ऑफ कोड ब्लॉक कर देगा आपकी ऐप को, ये पीस ऑफ कोड आपकी ऐप को ब्लॉक कर देगा, राइट? क्योंकि फाइल से डील करना मतलब डिस्क से डील करना, डिस्क से डील करना मतलब आईओ ऑपरेशन करना. आईओ ऑपरेशन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. यस, आईओ ऑपरेशन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. तो जितनी देर ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा उतनी देर ये पार्ट ब्लॉक रहेगा, और इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा बाय. ऐसा मत सोचेगा इसमें कोई 10 सेकंड या 12 सेकंड का समय लगेगा. समय बहुत कम लगेगा, मामूली सा लगेगा, लेकिन जितना भी लगेगा उतनी देर बाय वेट करेगा. यस और नो, है ना? गुड. चलिए, तो फाइल को मैंने सेव करा, नेविगेट करा फाइल एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, राइट? कैसे चलाते हैं नोट की फाइल्स? एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा क्या? वेरी गुड. नोड की फाइल चलाने के लिए नोड और आपके प्रोग्राम का, आपकी ऐप का नाम, जो हमारे केस में एग्जाम्पल 1.js, ये लेकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको स्क्रीन पे मैसेज मिल जाएगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और नीचे एक मैसेज मिल रहा है बाय. एज यू कैन फिगर आउट, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं, बाय हर हाल में मैसेज के बाद ही आ रहा है. That's because of synchronous nature of existing. Clear? अच्छा, अब हम फाइल बना देते हैं. तो मैं फाइल एग्जाम्पल्स के अंदर टेक्स्ट फाइल में गया और यहां जाकर मैंने एक न्यू फाइल बना दी. फाइल का नाम मैंने लिख दिया message.txt. फाइल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, फाइल ब्लैंक है. Okay? ब्लैंक फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ. मैंने इसको सेव करा और अब अगर मैं अपने इस पीस ऑफ कोड को रन करता हूँ, वॉट आउटपुट कैन आई एक्सपेक्ट? अब फाइल मिल जाएगी. Yes. आप नोड सर्च कर लेगा आपकी फाइल और आपको मैसेज मिल जाएगा फाइल एग्जिस्ट. आई होप थिंग्स आर क्लियर. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब आते हैं इसी कोड के कॉल बैक काउंटर पार्ट पे, राइट? कॉल बैक काउंटर पार्ट मतलब एक ऐसा कोड जो यही काम करेगा, लेकिन कौन से मोड में? कौन से मोड में? तो जवाब है एसिंक्रोनस मोड में काम करेगा. ठीक है, वो कौन है? वो मेथड है जिसका नाम है एक्सेस. क्या नाम है मेथड का? जो एसिंक्रोनस मोड में आपके लिए फाइल अवेलेबल है कि नहीं ये देख के आएगा, उस मेथड का नाम है नोड के अंदर एक्सेस. अच्छा, कितने आर्गुमेंट लेता है एक्सेस? तो एक्सेस जवाब है 3 आर्गुमेंट लेता है. ओके, देयर आर 3 आर्गुमेंट्स व्हिच आर पास टू एक्सेस. इसमें हम अभी बात पहले और तीसरे आर्गुमेंट के बारे में करेंगे. दूसरे आर्गुमेंट के बारे में फिलहाल बातचीत नहीं होगी, क्योंकि दूसरा आर्गुमेंट परमिशन से डील करता है और अभी हमने फाइल परमिशन नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा है. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो ये जो दूसरा आर्गुमेंट है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है f_ok. क्या होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है f_ok. है ना? क्या है ये f_ok? ये सब मैं आपसे आगे शेयर करूंगा. तो अभी कोड देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सिंटेक्स में तो 3 में आर्गुमेंट दिख रहे थे, अपन तो 2 ही दे रहे हैं. अपन 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट है और वो डिफॉल्ट वैल्यू है f_ok. ठीक है, तो अभी आप बाकी 2 पे ध्यान दीजिए. इन 2 में जो पहला आर्गुमेंट है वो पाथ है. जी हाँ, जो पहला आर्गुमेंट है वो पाथ है, सेम फाइल का नाम जैसे आप अभी एग्जिस्ट सिंक को पास कर रहे थे. जो दूसरा आर्गुमेंट है वो मोड है, जिसकी ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, जो मैंने कहा f_ok है. पूरा नाम है fs.constants.f_ok. मोर ऑन दिस इन फ्यूचर लेक्चर्स, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं और आते हैं हम तीसरे आर्गुमेंट में, जो है कॉल बैक. ध्यान से देखकर मुझे बताइए ये कॉल बैक कब चलेगा? एक्सेस मेथड के चलते ही या एक्सेस मेथड का काम होने के बाद?
वेरी गुड, एक्सेस मेथड का काम होने के बाद. यहाँ क्लियरली स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कॉल बैक तब चलता है जब एक्सेस मेथड अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर जाता है. अच्छा, ये कॉल बैक कब चलेगा, फाइल मिलेगी तब या फाइल नहीं मिलेगी तब? बहुत बढ़िया इरशाद, ये दोनों केस में चलेगा क्योंकि ये कॉल बैक है. तो आपको कैसे पता चलेगा फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जवाब है, हमें पता चलेगा कॉल बैक के पैरामीटर को देखकर. तो हमें पैरामीटराइज कॉल बैक बनाना पड़ेगा. जी हाँ, हमें पैरामीटराइज कॉल बैक बनाना पड़ेगा. और ये पैरामीटराइज कॉल बैक कितने आर्गुमेंट लेगा? जवाब है, ये एक आर्गुमेंट लेगा जिसका नाम होगा एरर. नहीं नमन, फिर कंफ्यूज. रिजॉल्व रिजेक्ट प्रॉमिस का केस है बेटा. या प्रॉमिस कहाँ आ गया? अनम्यूट करो नमन, आज क्या हो रहा है? नमन बताओ क्या कंफ्यूजन सर? वो प्रॉमिस का याद आ गया मेरे को, रिजॉल्व और रिजेक्ट. प्रॉमिस आएगा एक हफ्ते बाद, राइट? सर वो प्रॉमिस और असिंग का वेट याद है, मतलब ये इतना भूल गया मैं थोड़ा. कोई टेंशन नहीं है, वो मॉडर्न तरीका भी है, करना भी उसी को यूज है आगे. बट हाँ सर, एज वो ऑफ नाउ, असिंग पहले भी असिंग का वेट याद आ गया था कि वो चलेगा कोई बात नीचे नहीं, का. कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ. हाँ सर, कौन है ये तीसरा आर्गुमेंट कौन है? सर कॉल बैक है, ये कॉल एक बैक है लेगा, जो कितने आर्गुमेंट का कॉल बैक है? एक आर्गुमेंट का एक एरर लेगा, आर्गुमेंट का कॉल बैक है. वो एक आर्गुमेंट कौन है? एरर. एरर है. अगर एरर आई तो इस आर्गुमेंट में क्या आएगा? एनी गेसेस? मैं एरर ऑब्जेक्ट आएगा. एरर ऑब्जेक्ट. यस एरर सर, इसमें ऑब्जेक्ट अपन आएगा. डॉट देन और डॉट कैच लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे देन कैच, तुम फिर प्रॉमिस में घूम रहे हो. सर प्रॉमिस फिर नहीं है ये, किस बात का देन यस. और कैच? हाँ अच्छा, हाँ वो तो उस पे ही लगता है, प्रॉमिस पे देन और कैच वगैरह सब. यस सर, आ गया याद, ठीक है आ गया नमन, आ जब गया. प्रॉमिस आएगा ना तो तुमसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए फिर. कोई बात नहीं, इस बार मैं इग्नोर कर रहा हूं. चलो ठीक है, सर राइट. तो आगे बढ़ते हैं. तो ये जो कॉल बैक है ये सिंगल पैरामीटर लेगा, वो पैरामीटर अपने आप में एरर ऑब्जेक्ट होगा अगर एरर आई तो. और अगर एरर नहीं आई, एरर नहीं आई मतलब फाइल मिल गई, समझ रहे हैं सब लोग? यहाँ एरर आना मतलब फाइल का ना मिलना, एरर नहीं आना मतलब फाइल का मिल जाना. तो अगर फाइल मिल गई तो एरर ऑब्जेक्ट में नल आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर फाइल मिल गई तो एरर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? नल आएगा. फाइल नहीं मिली तो एरर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. क्लियर? शुरू करा जाए. गुड. अब हमें यही प्रोग्राम रीराइट करना है, लेकिन इस बार क्या यूज करके रीराइट करना है? इस बार यही कोड रीराइट करना है जो अभी लिखा था, बट इस बार यूज करना है fs.access. बिल्कुल सही. तो चलिए करिए गाइड, हेल्प करिए मेरी इस कोड को बनाने में. तो सबसे पहले लेट सेव इट. मैंने इसको सेव करा बाय द नेम ऑफ example2.js. ठीक है, बोलते चलिएगा क्या क्या रहेगा, क्या क्या हटेगा. लाइन नंबर वन रहेगी? हाँ रहेगी. लाइन नंबर टू रहेगी? हाँ वो भी रहेगी. लाइन नंबर थ्री ऑनवर्ड्स कोड बदल जाएगा. एम आई राइट? यस. तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? बिल्कुल सही, सबसे पहला स्टेटमेंट होगा fs.access. कोई रिटर्न वैल्यू वगैरह इसकी रिसीव नहीं करनी है, कोई रिटर्न वैल्यू वगैरह इसकी रिसीव नहीं करनी है. तो जवाब है, ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता है. आप रिटर्न वैल्यू रिसीव करके करेंगे क्या? ये कुछ करता ही नहीं है रिटर्न. जो होता है ये किसको भेज देता है? जो होता है ये कॉल बैक को भेज देता है. एरर आई तो कॉल बैक चलेगा, एरर नहीं आई यानी फाइल मिल गई तो भी कॉल बैक चलेगा. ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या भेज दूं? पहला आर्गुमेंट भेज देते हैं अपन पाथ, राइट. दूसरा आर्गुमेंट क्या भेज दूं? दूसरा आर्गुमेंट हम भेजेंगे हमारा कॉल बैक. मोड नहीं भेजना, नहीं भेजना मोड, मोड की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मोड की डिफॉल्ट वैल्यू सेट है. एम आई राइट? वेरी गुड. मोड की डिफॉल्ट वैल्यू सेट है. यहां बना दें एरो फंक्शन, बना देते हैं. नाम दे देता हूं ERR. चलेगा ERR नाम? चलेगा. अब आप आगे की कहानी मुझे सुनाओ, मैं कैसे पहचानूं फाइल मिली कि फाइल नहीं मिली, क्योंकि कॉल बैक तो दोनों ही केस में चलेगा. और एक काम करते हैं हम, यहाँ CLG लिखकर एक लाइन लिख देते हैं, कॉल बैक एग्जीक्यूटेड. अब आप देखो कॉल बैक एग्जीक्यूटेड हमें कब कब मिलता है. ठीक है, मैंने बस एक लाइन का कोड लिखा है, कॉल बैक एग्जीक्यूटेड. एवरीवन वॉच वेरी केयरफुली. तो इस समय फाइल है, इस समय message.txt है, बन चुकी है. यस yes. तो मैंने यहां कहा example2.js. As you can see, callback executed आ रहा है. ठीक है, और अगर मैं message.txt को डिलीट कर देता हूं,
इफ आई डिलीट दिस, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, राइट? नाउ मैसेज डॉट टीएक्सटी इज नो मोर प्रेजेंट इन द फोल्डर. अब मैंने फिर एग्जाम्पल टू को रन करा, फिर आप देखिए कॉल बैक एग्जीक्यूटेड. सो दिस मेक्स इट क्लियर कि फाइल मिले या ना मिले, कॉल बैक इज बाउंड टू रन. ऐसा ही है. और ये बाय पहले क्यों आ रहा है, ये बाय पहले क्यों आ रहा है? बिकॉज एक्सेस काम कर रहा है एसिंक मोड में. वेरी गुड, दिस इज द एसिंक बिहेवियर. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. तो अब आप बताइए, कॉल बैक एग्जीक्यूटेड तो प्रिंट कराना नहीं है हमें, हमें तो प्रिंट कराना है फाइल मिली कि नहीं मिली. हाउ टू गो फॉर दैट, कैसे ढूंढे फाइल मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल ठीक, इसको नल भी देखने की क्या जरूरत है? अगर हम इफ में ERR चेक कर ले तो भी तो काम हो जाएगा, यस और नो हो जाएगा ना. इफ ERR तो CLG क्या लिख दो, फाइल मिली कि नहीं मिली. इफ ERR यस के नो, गलत दिशा, गलत, नहीं मिली. इफ ERR का मतलब एरर में कुछ आया है. एरर में कुछ कब आएगा दिशा? एरर में कुछ तब आएगा जब फाइल नहीं मिलेगी. जब फाइल मिलेगी तो एरर में क्या आएगा? जब फाइल मिलेगी तो उसमें नल आएगा. नल आएगा तो इफ ट्रू होगा कि फॉल्स? नल आएगा तो इफ फॉल्स होगा, क्योंकि आपको याद है नल फॉल्सी वैल्यू होता है जेएस में. इन जावास्क्रिप्ट नल रिप्रेजेंट्स फॉल्सी वैल्यू, करेक्ट? तो यहां हम लिख देते हैं फाइल एग्जिस्ट्स, ओके. यहां लगाते हैं एक एल्स और सीएलजी में लिख देते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. ये हो गया आपका एसिंक तरीका फाइल की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने का, ठीक है? अब जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे, इस बार मैसेज मिल रहा है आपको फाइल एग्जिस्ट. ओ, मैंने गलत लिख दिया मैसेज ना, माय मिस्टेक, फाइल नॉट एग्जिस्ट, सॉरी 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 सॉरी. और यहाँ आएगा फाइल एग्जिस्ट, ठीक है? अब अगर अपन रन करते हैं तो नोटिस करिए फाइल नॉट एग्जिस्ट. और अगर आपको लगता है सर ये ERR में क्या आया है, तो इसमें कंप्लीट एरर डिटेल आई है. अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो जेएस आपको बताएगी, नोड आपको बताएगा किस तरीके का एरर मैसेज इस समय ERR के अंदर है, और एक एरर कोड भी आएगा. सुना आपने, क्या आएगा? एरर कोड भी आएगा जो ये बताएगा किस टाइप की एरर है. ढूंढिए कोई एरर कोड दिख रहा है? आर यू एबल टू फिगर आउट सम एरर कोड? ये रहा ENOENT, ये एरर कोड होता है जो ये बता रहा है कि इस तरीके की, इस नाम की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है. नो सच फाइल, नो सच फाइल, ENOENT, बस ये मानिए, ओके, राइट? और भी एरर कोड्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा मैं आपसे टॉपिक के एंड पे, ठीक है? और अब अगर मैं जाकर टेक्स्ट फाइल्स के अंदर एक फाइल बना देता हूं बाय द नेम ऑफ message.txt, तो क्या अब else वाला पार्ट चलने वाला है? Definitely. अब आप अगर इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो चलने वाला है else वाला पार्ट. So let's rerun it. And now we'll get file exist. आ गया समझ? फाइल को कैसे ढूंढते हैं? Great. No doubts, no queries. All clear? बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं फाइल में डेटा राइट कैसे करें. तो जैसा डिस्कशन से आप समझ ही गए होंगे, डेटा राइट करने के कितने मेथड? डेटा राइट करने के भी तीन मेथड. हम अभी कितने पढ़ेंगे? हम अभी दो पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे प्रॉमिस के केस. जो दो मेथड्स आपको एफएस मॉड्यूल देता है उसमें से पहला है राइट फाइल सिंक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा सिंक हटा दीजिए, बाकी का नाम एज इट इज लिख दीजिए. तो सिंक हटाकर बाकी का नाम लिखे तो क्या बना? वेरी गुड नवीन, दूसरा नाम बना राइट फाइल. तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, राइट? नाम से ही आप पहचान पा रहे होंगे. पहला वाला किस मोड में काम करेगा? पहला वाला काम करेगा सिंक्रोनस मोड में, दूसरा वाला काम करेगा एसिंक मोड के अंदर. पहला वाला कितने आर्गुमेंट ले रहा है? पहला वाला ले रहा है 3 आर्गुमेंट, दूसरा वाला ले रहा है 4 आर्गुमेंट, ठीक है? ये ऑप्शंस है, स्पेलिंग ठीक कर दें, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इन आर्गुमेंट्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस इनके बीच. वर्बली तो मैंने आपको बता दिया है, बट मैं चाहूंगा आप इसको एक बार और डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझें. तो देखिए, जब आप राइट फाइल को कॉल करेंगे तो राइट फाइल के कॉल के तुरंत बाद प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा. यस, राइट फाइल के कॉल के तुरंत बाद
प्रोग्राम आपका आगे बढ़ जाएगा। जबकि आप राइट फाइल सिंक को कॉल करेंगे, तो जब तक राइट फाइल सिंक का रिजल्ट ना आ जाए तब तक प्रोग्राम पॉज रहेगा। एक डायग्राम देखिए, आपको मेरी बात अच्छे से समझाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कोड चल रहा है, राइट हैंड साइड पे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस है। तो आपके कोड ने कॉल करा राइट फाइल, जैसे ही आपके कोड ने राइट फाइल कॉल करा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे बताइए जावास्क्रिप्ट इस कॉल को देखकर क्या करेगी? क्या जावास्क्रिप्ट को फाइल से इंटरेक्ट करना आता है? नहीं आता है। तो याद है ना आपको, जावास्क्रिप्ट किसे कॉल करेगी? जावास्क्रिप्ट कॉल करेगी C++ बाइंडिंग्स, डिस्कस हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, राइट? और C++ बाइंडिंग को थमा दिया जाएगा फाइल को ढूंढना या फाइल को राइट करने का काम। तो जैसे ही राइट फाइल चलेगा, C++ का कोड बैकग्राउंड में रन होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हुए इस डेटा को फाइल में करेगा राइट, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्या आपका प्रोग्राम रुकेगा या आपका प्रोग्राम कंटिन्यू होगा? तो जवाब है कंटिन्यू होगा। ये जो अदर वर्ड बता रहा है, ये बता रहा है आपका कोड पॉज नहीं हुआ, आपका कोड कंटिन्यू हो जाएगा। और इधर जब फाइल की राइटिंग पूरी हो जाएगी तो कंट्रोल वापस लौटेगा, यस कंट्रोल वापस लौटेगा और आपकी मेन स्क्रिप्ट को ज्वाइन कर लेगा। क्लियर है ना? जबकि यही काम अगर आपने राइट फाइल सिंक में कॉल करा होता तो क्या आप मानते हो इतना टाइम पीरियड वेटिंग में चला जाता? इतना टाइम पीरियड वेटिंग में चला जाता है, जितने भी टाइम फाइल पे राइटिंग हो रही है उतने टाइम पीरियड के लिए आपका पीस ऑफ कोड वेट करता। क्लियर है दोनों डायग्राम? वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब ये है राइट फाइल सिंक मेथड की डिटेल्स। जैसा आप जानते हैं ये लेता है आपसे तीन आर्गुमेंट, ठीक है? जो तीसरा आर्गुमेंट है उसके बारे में बातचीत या तो आज और या तो अगले लेक्चर में मैं करूंगा इस टॉपिक के एंड पे। तो अभी फोकस आप दो आर्गुमेंट पे कीजिएगा। आई रिपीट, जो तीसरा आर्गुमेंट है इसके बारे में बात मैं आज या अगले लेक्चर में इस टॉपिक के एंड पे करूंगा। तो आप फोकस अभी दो आर्गुमेंट्स पे कीजिएगा। हालांकि मैं तीसरे आर्गुमेंट को आपको हिंट दूंगा, बट वो हिंट अभी आपके लिए इररिलेवेंट है जब तक हम उसका प्रैक्टिकल ना करें। फिलहाल राइट फाइल सिंक का जो पहला आर्गुमेंट है वो है उस फाइल को रिप्रेजेंट करता हुआ पाथ जिसमें आपको क्या करनी है, जिसमें आपको राइटिंग करनी है। राइट फाइल सिंक ये भी कहता है कि अगर वो फाइल मौजूद है तो ये उस फाइल को क्या करेगा, अगर फाइल मौजूद है तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर नहीं है तो ये फाइल बना देगा। जी हाँ, अगर नहीं है तो फाइल बना देगा, अगर है तो ओवरराइट कर देगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, है ना? बहुत बढ़िया। जो सेकंड आर्गुमेंट है वो डेटा है जो आपको फाइल में राइट करना है, और ये अपेंड का बिल्कुल हर्ष बिल्कुल है। इनफैक्ट देयर इज अ मेथड जिसका नाम है अपेंड फाइल सिंक। और अगर पता है नहीं सर मेरे को तो राइट फाइल से ही अपेंड कराना है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन है जो आपको राइट फाइल से अपेंड कराने देगा, वो ये जिसको मैं अभी छुड़वा रहा हूं। बिल्कुल सही, ऑप्शंस। ये काम आप नहीं मोड से नहीं करते हैं पूनम, ये काम हम फ्लैग से करते हैं। ऑप्शंस के अंदर तीन चीजें आती हैं, कितनी चीजें आती हैं? ऑप्शंस के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक कहलाता है एनकोडिंग, यानी फाइल में डेटा किस स्टाइल में लिखा जाएगा। दूसरा कहलाता है मोड, कौन सी परमिशन दी जाएगी। और तीसरा कहलाता है फ्लैग। फ्लैग से डिसाइड होता है कि ये मेथड फाइल नहीं होने पर बनाएगा, होने पर ओवरराइट करेगा या नहीं करेगा, अपेंड करेगा, क्या करेगा। क्लियर? कुछ कुछ आइडिया लगा ऑप्शंस क्या कंट्रोल करते हैं? ये पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में, बट अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? ठीक। तो जो सेकंड आर्गुमेंट है वो डेटा है जो आपको फाइल में लिखना है। आप फाइल को स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप फाइल को नोड जेएस का बफर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, आप और भी किसी तरह का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं फाइल में राइट करने, बट एज ऑफ नाउ जैसा मैंने कहा हम डील करेंगे स्ट्रिंग के साथ। तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शंस है जो ये तय करता है कि जो फाइल में डेटा राइट होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्या परमिशंस मिलेंगी, किस तरह से डेटा राइट होगा। और जैसा मैंने कहा फाइल होने पर क्या पक्की बातें बनी जाएगी, हम नहीं चाहते हैं कि फाइल बने, हम चाहते हैं कि फाइल में डेटा अपेंड हो जाए अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सारे काम हम हैंडल करेंगे यूजिंग ऑप्शंस। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सवाल आता है ये मेथड से हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कोड में प्रॉब्लम गई है कि नहीं, कहीं देखने को तो समझ में तो आ ही नहीं रहा है, कोई कॉल बैक तो है नहीं। तो अगर इस मेथड को प्रॉब्लम गई तो ये मेथड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। क्या थ्रो कर देगा? ये मेथड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। जैसे
क्या ये पॉसिबल है आप पाथ गलत दे दें, क्या ये संभव है आप पाथ गलत दे दें, ये फाइल बना देगा, पाथ तो क्रिएट नहीं कर देगा ना आपके लिए, समझ रहे हैं, फाइल नहीं है तो फाइल बना देगा लेकिन ये पूरा पाथ थोड़ी आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन, जिसे कैसे हैंडल करना है वो भी अपन सीखते हैं, बट पहले विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन देखिए और बताइए क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। क्या क्या करना है, तीन काम करने हैं। नंबर वन, फाइल नहीं है तो क्रिएट करनी है, है तो ओवरराइट करनी है, सही कह रहा हूं। नंबर टू, फाइल में एक स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें मैसेज आएगा वेलकम टू नोड जेएस। नंबर थ्री, फाइल के एंड में एक टाइम स्टैम्प लगाना है। टाइम स्टैम्प मतलब वो डेट और टाइम जिस दौरान फाइल में डेटा राइट हो रहा है। और डेट और टाइम कौन से स्टाइल में लिखना है, लोकेल स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना है। उम्मीद करता हूं लोकेल स्पेसिफिक याद होगा। इस समय हम कौन से टाइम जोन में है, इससे हम इंडियन टाइम जोन में है। तो इंडिया में डेट कैसे रिप्रेजेंट होती है, इंडिया में डेट रिप्रेजेंट होती है डीडी एमएम वाई वाई, एम आई राइट, है ना। तो कुछ ऐसा ही करना है हमें, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोड सबसे पहले हम message.txt को डिलीट कर देते हैं, राइट। इससे ये प्रूफ होगा कि जो हमारा मेथड है फाइल ना होने पर क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा, वेरी गुड नवीन। फाइल ना होने पर क्रिएट हो जाएगा, भरत एक्सेप्शन नहीं देगा बेटा, हमारा मेथड फाइल ना होने पर क्रिएट कर देगा, राइट, एक्सेप्शन नहीं आएगी, यही तो खास बात है इन मेथड्स की, ठीक है। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल थ्री लेते हैं, एग्जाम्पल टू को ही सेव एज कर लेता हूं मैं, राइट। तो शुरू की दो लाइनें सेम, अगर आपको बात समझ आ रही है तो, शुरू की दो लाइनें सेम अगर आपको बात समझ आ रही है तो बिल्कुल सही, राइट। अब थर्ड लाइन पे हम एक मैसेज तैयार करते हैं, ओके। उस मैसेज में क्या है, उस मैसेज के अंदर मैंने लिखा const str is equals to welcome to node.js, ये मेरा मैसेज है जो मुझे फाइल में राइट कराना है, welcome to node.js। इसके साथ कुछ और भी राइट कराना है, हाँ, इसके साथ लोकेल स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेट और टाइम चाहिए। तो डेट कैसे मिलेगी, डेट मिलेगी डेट ऑब्जेक्ट से। डेट ऑब्जेक्ट हमें क्या node.js में अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट हमें कौन प्रोवाइड करता है, ब्राउजर रन टाइम के v8, वेरी गुड। डेट ऑब्जेक्ट हमें v8 प्रोवाइड करता है, ब्राउजर का रन टाइम इसे प्रोवाइड नहीं करता है, करेक्ट। इसलिए डेट ऑब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा node.js के v8 में भी। दोनों का v8 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, एकदम वही v8 है जो ब्राउजर में चल रहा था। जी नवीन बिल्कुल सेम है, भूल रहे हैं आप, ये बिल्कुल वही v8 है जो क्रोम में चलता था। फर्क सिर्फ किसका है, फर्क सिर्फ रन टाइम एनवायरमेंट का है। ब्राउजर में ब्राउजर का रन टाइम चलता था, node.js के अंदर node.js का रन टाइम चलता था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डेट टाइम तो ओएस से आएगा, और ओएस से बात कौन करेगा, ओएस से बात v8 करेगा, किसकी मदद से करेगा, बाइंडिंग की मदद से करेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये v8 दे रहा है आपको, मैं ये कह रहा हूं, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने कहा लेट टुडे इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ऐसे ही बनता है डेट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर मैं कहूंगा लेट करंट डेट टाइम इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूं कि इसके अंदर डेट और टाइम आ जाए सेपरेटेड विद अ कॉमा। इस असाइनमेंट के राइट साइड वाला कोड लिखिए सर, v8 क्रोम में ही होता है या node.js में भी इनबिल्ट आता है, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, देखो
ये डायग्राम याद है? जल्दी जल्दी याद है? तो आप नोटिस करिए, ये जो V8 है, ये वो ब्राउजर वाला V8 है, यही V8 यहां लाया गया है, सेम V8 है ये, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है जिस API से ये इंटरैक्ट करते हैं। जो ब्राउजर वाला V8 है वो वेब API से बात करता है, वेब API मतलब जो ब्राउजर ने बना के दी है, और ये C++ का कोड है। जी ये C++ का कोड है, तो फिर जावास्क्रिप्ट C++ से बात कैसे करेगी? जावास्क्रिप्ट C++ से बात करेगी यूजिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग्स। पढ़ा था? राइट और यहां नोटिस करिए, Node.js है, Node.js सिस्टम से उठाएगा। हाँ हर्ष, वेब API C++ में कोडेड है बेटा। अगर ये C++ में कोडेड है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से डेट टाइम ला देंगी, है ना? ये C++ का कोड है, ये भी C++ का कोड है, क्लियर? लेकिन ये C++ का कोड ब्राउजर से इंटरेक्ट नहीं करता है, आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ये C++ का कोड सिस्टम और ब्राउजर दोनों से करता है। ओके करेक्ट, चलूं आगे। चलिए आदाब, अब आते हैं अपने कोड पे। हाँ तो इसको कंप्लीट करिए। टुडे डॉट क्या लिखूं? वेरी गुड, पहले डेट चाहिए। सो टुडे डॉट टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, राइट, प्लस बीच में कॉमा, प्लस टुडे डॉट टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग। समझ आ गया? टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, इतना क्लियर है? चलो आगे, यहां तक समझ आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए इसका? अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, लेट msg इक्वल टू, और यहां पर मैं इन तीनों को कंकैटिनेट कर लेता हूं। कौन तीनों? ये एक str और str के साथ ये दोनों, प्लस करंट डेट टाइम। ऑफ कोर्स आप इस कोड को छोटा कर सकते हैं, राइट? मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, इसलिए इतनी सारी लाइनें आ रही हैं। ठीक, अब लास्ट लाइन आप बता दीजिए, लास्ट लाइन आप बता दीजिए क्या लिख दूं, कैसे पहुंचाया जाए MSG को फाइल के अंदर। बिल्कुल सही नमन, परफेक्ट। मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है और वो है fs डॉट फॉलोड बाय राइट फाइल सिंक। राइट फाइल सिंक को पहला आर्गुमेंट हम देंगे path, दूसरा आर्गुमेंट हम देंगे msg, और इसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे clg दैट इज कंसोल डॉट लॉग फाइल सेव। क्लियर है? समझ आ रहा है इतना? यहाँ आ गया हमारा मैसेज फाइल सेव्ड। ओके, सेव करा मैंने, एप्लीकेशन को करते रहा। सबसे पहले तो बताइए message.txt test_ फाइल में है कि नहीं है? जल्दी फटाफट, नहीं है। वेरी गुड,
अब मैं कहता हूं नोड, दिस इज आर एग्जाम्पल 3.js. एज यू कैन सी एप्लीकेशन के रन होते ही फाइल बन गई. एज यू कैन सी एप्लीकेशन के रन होते ही फाइल बन गई. यस, एप्लीकेशन के रन होते ही आपके कोड ने फाइल बना दी है. और अब अगर आप इस फाइल को जाकर चेक करें तो आप नोटिस करिए, आपको दोनों चीजें मिलेंगी. करंट डेट मिलेगी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में 17th May 17/5/2023 और 12 आवर प्लस क्लॉक के हिसाब से आपको मिलेगा टाइम. सही है? अच्छा, क्या होगा अगर मैं इस कोड को री एग्जीक्यूट करूं? क्या अब फाइल बन चुकी है? जल्दी, क्या अब फाइल बन चुकी है? Has the file been created? Yes. तो अब अगर मैं जाकर चेक करूंगा तो फाइल हो जाएगी ओवरराइट. ये जो 10.22 है ये अब 23 हो जाएगा. Yes, ये जो 10.22 है आप जाकर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 10.23. सही है? बहुत बढ़िया, चले आगे. यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर है? नो डाउट, नो क्वेरीज, है ना? वेरी गुड. लेकिन जैसा मैंने कहा इस कोड में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने गलती से फोल्डर का नाम गलत दे दिया, टेक्स्ट फिल्स, क्या होगा? वेरी गुड, प्रोग्राम इज गोइंग टू थ्रो एक्सेप्शन. जैसे हैंडल करने का कोई अरेंजमेंट हमने नहीं करा है, सही कह रहा हूं? बस तो कोड रन टाइम पे कर जाएगा क्रैश. एज यू कैन सी दिस, इससे बचना है. वो कैसे बचेंगे? वो बचेंगे यूजिंग ट्राई कैच. ओके, तो वो भी हम करेंगे, बट अभी नहीं, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं. अभी बात करते हैं यही कोड अगर हम एसिंक्रोनस वे में लिखते तो कैसे लिखते. तो अगर यही कोड आप एसिंक्रोनस वे में लिखेंगे तो आप मेथड कॉल करेंगे राइट फाइल. कितने आर्गुमेंट लेता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो? 4 आर्गुमेंट लेता है, राइट? 3 पढ़ेंगे, चौथा वही है जो ऑप्शन से, इसलिए उसे हम करेंगे इग्नोर. इन 4 में पहला आर्गुमेंट कौन है? पहला आर्गुमेंट उस फाइल का नाम है जिसमें आपको डेटा राइट करना है. दूसरा आर्गुमेंट कौन है? दूसरा आर्गुमेंट वो डेटा है जो फाइल में जाकर सेव होना है. तीसरा आर्गुमेंट कौन है? तीसरा आर्गुमेंट ऑप्शंस है जो फाइल में राइटिंग कैसे हो रही है इसको कंट्रोल करता है, जो अभी हम स्किप कर रहे हैं. और चौथा कौन है? चौथा वो कॉल बैक है जो फाइल में राइटिंग होने के बाद एग्जीक्यूट होगा. तो कब एग्जीक्यूट होगा? राइटिंग होने पर के राइटिंग ना होने पर के दोनों केसेस में? वेरी गुड, दोनों केसेस. ठीक है, तो अब आप फटाफट विदाउट एनी डिले मुझे इस कोड का एसिंक्रोनस वर्जन बना के दीजिए. बताते चलिए क्या रहेगा क्या हटेगा. तो पहला सवाल, लाइन नंबर 1 रहेगी, लाइन नंबर 2 भी रहेगी, लाइन नंबर 3, 4, 5 भी रहेंगी, लाइन नंबर 6 और 7 भी रहेंगी. ठीक है, क्या बदलेगा? बदलेगा लाइन नंबर 8. तो लिख दीजिए फटाफट लाइन नंबर 8 का कोड. सुदीप, 7 क्यों बदलेगी? 8 बदलेगी, बदलिए. सिंटेक्स आपके सामने है. सर एक डाउट है. जी हर्ष बोलिए, बोलिए, माइक ऑन कीजिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग हर्ष. सर जो एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है जावास्क्रिप्ट का और मल्टी थ्रेडेड बिहेवियर होता है जावा या पाइथन में, फर्क होता है? फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि जावा में जब मल्टी थ्रेडिंग करते हो आप, तो जो दूसरा थ्रेड है वो जावा ही लॉन्च करती है, जावा ही उस थ्रेड को मैनेज करती है. जबकि जावास्क्रिप्ट में जो एसिंक्रोनस कोड होता है उसमें जो कॉल बैक वाला पार्ट है वो इवेंट क्यू यानी C++ द्वारा हैंडल करा जाता है. जावास्क्रिप्ट कोई दूसरा थ्रेड लॉन्च नहीं करती. यह बहुत डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको नॉन ब्लॉकिंग का मतलब, सिंगल थ्रेडेड का मतलब समझाऊंगा. थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको विद डायग्राम विद एग्जांपल समझेंगे. अभी शॉर्ट में बस आंसर ये ले लेते हैं अपन कि अगर मल्टी थ्रेडिंग का कोड हम लिखते हैं तो जावा जैसी लैंग्वेजेस में जितने थ्रेड्स हैं वो लैंग्वेज लॉन्च करती है, जबकि जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से एक ही थ्रेड लेकर चलती है जो मेन थ्रेड है. जो भी कॉल बैक वाला पार्ट है या पैरेलल एग्जीक्यूट किसी चीज को करना है तो वो इवेंट क्यू और कॉल बैक क्यू की मदद से होता है जो C++ और OS के द्वारा मेंटेन है.
दोनों का बिहेवियर दिखता सिमिलर ही है। हाँ दिखता सिमिलर ही है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग वर्ड्स दिखते सिमिलर है लेकिन टेक्निकली फर्क है, फर्क है ना। और सर ये बट नॉन नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब कि नॉन ब्लॉकिंग है मतलब मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है नोड जेएस, जो आपका मेन थ्रेड है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा होगा, जो हमने एक्सेस वाला एग्जांपल लिया उसमें आपने नोटिस करा ये जो नीचे बाय था वो पहले ही प्रिंट हो गया, इससे पहले कि मैसेज आए फाइल एग्जिस्ट के नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नॉन ब्लॉकिंग। और सर जो आपने वेटर वाला एग्जांपल दिया था उसमें अगर मल्टी थ्रेडिंग होती तो वेटर एक से मल्टी ज्यादा थ्रेडिंग होते होते, हैं तो वेटर मल्टीपल होते हैं, बहुत लेकिन सारे वो वेटर होते हैं। एक वेटर एक ही काम करता ना, हाँ एक वेटर एक ही काम करता, यहाँ और पे एक वेटर मल्टीपल काम कर रहा है एक्चुअली। जी यहाँ पर एक वेटर मल्टीपल काम कर रहा है तो स्विचिंग नहीं हो रही है ना। जावा के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो स्विचिंग होती है, उसमें टाइम वेस्ट होता है और उसके कारण से जावा नोड जेएस स्लो है, नोड जेएस इसीलिए तो फास्ट है। पर सर जो ये रिक्वायर है इम्पोर्ट की जगह पे, हाँ जी ये रिकमेंडेड भी है पूरे वर्ल्ड में। जी क्योंकि नोड जेएस बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है और कॉमन जेएस एक्मा को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां इंपोर्ट नहीं चलता तो पूरे कोर्स में मोस्टली रिक्वायर ही यही, यूज, हाँ रिक्वायर को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट यूज करते हैं तो फिर एम जे एस एक्सटेंशन रखना पड़ेगा फाइल का। हाँ जी हो गया कोड राइट फाइल पाथ एमएससी एरर, बिल्कुल सही। बाकी सब लोगों ने बड़ा शॉर्ट कर दिया, एरर पे कोई इफ इफ नहीं लगेगा क्या? पूनम इरशाद सुदीप कोई कंडीशन नहीं लगेगी क्या? तो फिर इतना इजी कैसे हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा राइट फाइल सिंक की जगह राइट फाइल, पहला आर्गुमेंट पाथ दूसरा आर्गुमेंट मैसेज, ठीक है। तीसरा आर्गुमेंट जो आप पास करेंगे वो यहाँ पास कर देंगे आप ERR, ये हो जाएगा एरो और अंदर का कोड, अंदर पहले की तरह इफ ERR। क्या लग रहा है? अगर इफ ERR कंडीशन ट्रू है तो फाइल में राइटिंग हुई कि नहीं हुई? तो जवाब है फाइल में राइटिंग नहीं हुई, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया कंसोल डॉट लॉग कुड नॉट राइट द डेटा इन फाइल, कुड नॉट राइट द डेटा इन फाइल, ठीक है। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है हमें नहीं मालूम। एल्स, एल्स के अंदर गए और एल्स के अंदर हम लिख सकते हैं फाइल सेव। आई होप दिस मेक सेंस, समझ आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला मैसेज है फाइल सेव, इसको मैं कर देता हूं बाय। तो एक बार फिर से ये बाय पहले प्रिंट होगा? जी हाँ, फाइल सेव की कहानी प्रिंट होगी बाद में। अच्छा और फाइल में क्या होगा? ओवरराइटिंग हो जाएगी। जिस समय पिछली बार ये कोड चला था उस समय 10:23 हो रहे थे, नाउ इट्स एग्जैक्टली 10:30। ओके तो अपन इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, नोड एग्जाम्पल 4.js कुड नॉट राइट द डेटा, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है? फाइल का फोल्डर का नाम गलत है। एनीवेज ये भी हमें चाहिए ही था, तो एज यू कैन सी अगर एक्सेप्शन आई है तो कोड क्रैश नहीं करा। डिड यू नोटिस? थोड़ा थोड़ा आपने हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक, है ना। अब इसको हम चेंज करके टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स कर देते हैं, रन करते हैं एप्लीकेशन को एंड यू कैन सी दैट डेटा अप हो जाना चाहिए राइट। एज यूजुअल बाय पहले आ रहा है, फाइल सेव बाद में आ रहा है, लेकिन अब अंदर जाएंगे द टाइम पीरियड द टाइम स्टैम्प हैज चेंज्ड। ओके लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा ना प्रॉब्लम क्या है, एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर ये गलत हो रहा है तो पता नहीं लग रहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है ना हमें फाइल में राइट करने की परमिशन ही ना हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? प्रॉब्लम ये भी हो सकती है फाइल बनी ना हो, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है फाइल में राइट करने की परमिशन ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक काम ये भी लोगों को करते हुए देखेंगे कि वो अपने इस मैसेज के बाद एक कीवर्ड यूज करते हैं थ्रो, पढ़ा है आपने भी थ्रो एजेक्स के दौरान राइट, तो वो थ्रो यूज करते हैं। जैसे ही अपन लिखेंगे थ्रो ERR द मोमेंट विल राइट दिस, अब आप देखेंगे आपको एक्सेप्शन की पूरी डिटेल मिलेगी जस्ट इन द वे जावास्क्रिप्ट वुड हैव प्रिंटेड इट। नोटिस करा आपने राइट? अब ये थ्रो किसको ढूंढेगा? ये थ्रो किसको ढूंढेगा? ये थ्रो ढूंढेगा कैच को, अपन ने कैच लगाया नहीं है, एप्लीकेशन टर्मिनेट हो, क्लियर? हाँ, आ जाता ना कंसोल डॉट लॉग ERR भी करते आप तो बिल्कुल आ जाता, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा मैसेज नहीं आता ना हर्ष, देखो
देखो could not write the data plus err, see for yourself क्या आ रहा है, वो जो पूरा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट था एरर ऑब्जेक्ट वो नहीं आया ना, बस आपको टेक्स्ट मिल रहा है, क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ आ गया, कोई डाउट कोई क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये हुआ हमारा सिंक्रोनस वे में लिखना। अब अगले लेक्चर में बात होगी कैसे करते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उसके बाद चलेंगे फाइल से डेटा रीड करने, फिर फाइल में डेटा अपेंड करने, और साथ में बात होगी ऑप्शंस के बारे में। तो मिलते हैं फ्राइडे सेम टाइम, बाय बाय, टेक केयर।